इससे हम लोग को अप्रिसिएशन भी मिला था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी इसको करा था हम लोगों ने ना, दिखाया था। जी, अब इसको हम यहाँ भी शुरू करेंगे मनरेगा के माध्यम से, इसको कर दो। टिहरी में जो आपका कार्यकाल रहा सीडीओ का सर, उस समय आपने काफ़ी कोशिश की वहाँ पे कि जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है उसमें कुछ बदलाव लाए जाएं और कुछ ऐसी खेती की जाए जिससे कि इकोनॉमिकली वायबल हो, फ़ायदा काश्तकार को हो। तो अब आप पौड़ी में आ गए हैं, तो पौड़ी में क्या योजना है सर? इसमें हम लोगों ने टिहरी जनपद में जो किया था उसमें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का काफ़ी प्रयास किया था मनरेगा के माध्यम से करने का, और फिर धीरे धीरे करके हमारे जो काश्तकार थे सभी ब्लॉक्स के, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था। तो वही चीज़ हम लोगों ने पौड़ी में भी अभी इनिशिएट करने का प्रयास किया है। तो अभी हम 2-3 ब्लॉक जो हमारे हैं उनमें उनसे ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो एरोमेटिक प्लांट्स का और मेडिसिनल प्लांट्स का हम लोग करेंगे, और इसको हम कन्वर्जेंस माध्यम में करेंगे। इसमें मनरेगा के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी कन्वर्जेंस किया जाएगा। और क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्लांट्स में और एरोमेटिक प्लांट्स में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो और काफ़ी अच्छा मूल्य इसका मिल जाता है मार्केट में। दूसरा, इसमें पेरिशेबिलिटी का एंगल भी नहीं होता है, मतलब ये ख़राब नहीं होती हैं, और साथ ही साथ वेट हल्का होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत भी नहीं होती है। तो इसी के क्रम में हम लोग रोजमेरी, इटालियन रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, डेंडेलियन, इस तरह का उत्पादन यहाँ पे करेंगे मनरेगा के माध्यम से कन्वर्जेंस करके, जिससे जो काश्तकार है उनको अच्छा इसका मूल्य मिल जाए और आजीविका संवर्धन की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा।